أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. सबसे पहले आज 19वीं माह मुबारक रमज़ान है. आज की सुबह वो सुबह थी कि जब हमारे मौला वाका अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह ने जो है ज़र्ब मारी और उनको जो है शहीद कर उनकी जो है शहादत की तरफ उनको जो है बढ़ाया. 21 रमज़ान उनकी शहादत हुई, 19वीं उनकी शब ज़र्बत थी. खुदा उन तमाम लोगों पर लानत करे कि जिन्होंने जो है अमीरुल मोमिनीन के कत्ल की साजिश की और खुसूसन इब्ने मुलजिम पर लानत करे. आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबना बिसय्यदना व मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम. हम आप सब की खिदमत में और खुसूसन इमाम ज़मान की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन की शब ज़र्बत की ताज़ियत पेश करते हैं. उलमा को जानो की सीरीज़ के आज के एपिसोड में जिस आलिम दीन का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम आयतुल्ला मिर्ज़ा मोहम्मद हसन शिराज़ी है. इनको ग्रैंड आयतुल्ला बुजुर्ग शिराज़ी भी कहा जाता है, मिर्ज़ा शिराज़ी भी कहा जाता है. इनकी विलादत 1230 हिजरी में हुई थी. इनका नाम था सैयद मोहम्मद हसन और इनके वालिद का नाम था सैयद महमूद अल हुसैनी शिराज़ी. शिराज़ ईरान में जो एक सिटी है वहाँ पे इनकी विलादत हुई थी और ये बचपन से ही बहुत एक्सेप्शनल चाइल्ड थे जिनकी मेमोरी बहुत शार्प थी. 12 साल की एज में उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल की स्टडीज़ को कंप्लीट कर ली थी और बहुत यंग लेवल पे जो है वो जो है इज्तिहाद के लेवल पे पहुँचे थे. इनके टीचर्स में शेख जवाहिरी और शेख मुर्तज़ा अंसारी अलैहिर्रहमा जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था उनकी जो है वो जो है इनके टीचर्स में से गिने जाते हैं. 1291 हिजरी में मिर्ज़ा शिराज़ी अलैहिर्रहमा ने सामर्रा जाने का इरादा किया क्योंकि सामर्रा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमारे 11वें और 10वें इमाम की जो है कब्रें मौजूद है, कब्रें मुतहर मौजूद है और 12वें इमाम का घर भी वहाँ मौजूद था जहाँ से वो जो है गैबत में गए थे. लेकिन ये वो एरिया है कि जो एक अहले सुन्नत के इलाकों से घिरा हुआ है इसीलिए यहाँ पर जो है हौज़े इल्मिया मौजूद नहीं था. लेकिन 1291 हिजरी में मिर्ज़ा शिराज़ी अलैहिर्रहमा ने सामर्रा में सबसे पहली शिया हौज़े का वहाँ पे जो है उसको इस्टेब्लिश किया और वो वहीं पर जो है कई उलमाओं को ट्रेन करते रहे यहाँ तक कि जो है सद्दाम का जो है इरा चला. जब और उन्होंने ये एक और काम किया कि जो 10वें और 11वें इमाम की जो कब्र है, जो ज़री है और जो मस्जिद है उसके पास, उसकी जो है रेनोवेशन का काम जो है उन्होंने शुरू किया. 1306 हिजरी में जो है नसीरुद्दीन शाह काजर जो है वो ईरान के शाह थे, बादशाह थे और उन्होंने जो है ब्रिटेन की, यूके की जो है यूनाइटेड किंगडम की जो ब्रिटिश इंपीरियल टोबैको कंपनी है उसे जो है एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए, सारे पावर्स दे दिए कि वो जो है किस तरह से टोबैको को प्रोड्यूस करे, यानी तंबाकू को प्रोड्यूस करे, बेचे, एक्सपोर्ट करे और सारा जो है रेवेन्यूज जो है मोस्टली ब्रिटिश के पास जा रहा था और इनके पास जो है बहुत कम ईरान के पास पैसा आ रहा था. इसकी वजह से ईरानियों में बहुत ये जो है बहुत जोश, बहुत गुस्सा था और जब मिर्ज़ा शिराज़ी ने देखा कि अगर ये हो गया तो काफ़ी सारी ईरान की जो पब्लिक है वो जो है ब्रिटिश की जो है गुलाम बन सकती है, जैसे कि इंडिया के एग्जाम्पल में देखा जाता है या चाइना के एग्जाम्पल में देखा जाता है किस तरह ब्रिटिश ने ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर धीरे धीरे एंट्री की थी और उसके बाद जो है उन्होंने जो है पूरी तरीके से उस कंट्री पर कब्जा कर लिया था. मिर्ज़ा शिराज़ी ने इसे बहुत जल्दी जो है इसे एनालाइज कर लिया और उन्होंने एक फतवा जारी किया कि तंबाकू का खाना या उसका इस्तेमाल करना या जो है उसे जो भी बेसिकली ब्रिटिश कंपनी को पैरालाइज करने के लिए वो जो है हराम है और ऐसा है कि जैसे कोई शख्स 12वें इमाम के अगेंस्ट जो है लड़ाई कर रहा है. जैसे ही मिर्ज़ा शिराज़ी का ये फतवा आया ईरान के तमाम फार्मर्स ने जो है तंबाकू को ग्रो करना बंद कर दिया, तमाम जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने तंबाकू को बेचना बंद कर दिया,
और जो इनफैक्ट जो गुलाम मौजूद थे उन्होंने तंबाकू को सर्व करना बंद कर दिया। और इस तरह मरजियत के एक फतवे की वजह से पूरे ईरान में जो है तंबाकू बंद हो गया और ब्रिटिश कंपनी को जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ईरान से एग्जिट होना पड़ा। पूरे ईरान के लोग खुशी मना रहे थे लेकिन मिर्ज़ा शिराज़ी गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे। लोगों ने पूछा इतना बड़ा आपने फतवा दिया, इतनी बड़ी आपने जो है कंट्री को बचाया, लेकिन आप रो क्यों रहे? कहा आज दुश्मन मरजियत की पावर को पहचान चुका है और अब वो कोशिश करेगा कि इस पर जो है अटैक करें, हमला करें और इसे जो है खोखला करके कमज़ोर करें। और ये आप अगर गूगल पर भी जाएंगे और टोबैको प्रोटेस्ट लिखेंगे तो ये बहुत फेमस प्रोटेस्ट था और इसमें मिर्ज़ा शिराज़ी के एक फतवे की वजह से जो है पूरे ईरान को जो है ब्रिटिश डोमिनेंस से बचा लिया गया। 1312 हिजरी यानी 1312 हिजरी में सामर्रा में जो है मिर्ज़ा बुजुर्ग शिराज़ी जो है इस दुनिया से चले गए। उनकी बॉडी को जो है नजफ ले जाया गया और शेख मुर्तज़ा अंसारी के बाजू में अमीर अल मोमिनीन के हरम के अंदर शेख मुर्तज़ा अंसारी की जो कब्र है उसके बाजू में मिर्ज़ा शिराज़ी को जो है दफन किया गया। सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.